बोडुमसा में सिंफो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने की कल बैठक, जहां कहा गया पॉलीगेमी को नहीं करेंगे स्वीकार, दूसरी बीबी को नहीं मिलेगी मेंबरशिप कम्युनिटी में और महिला को ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने की भी सुझाव। बोडुमसा में एमएलए कैंडिडेट मायो ने बुलाई बैठक, भोजपुरी समाज ने समर्थन देने की कही बात, साथ ही साथ बीजेपी टिकट देने की मांग। हम लोग यहाँ वागुन 4 में रहते हैं और ये मायो मांग साहब जो हैं हमारे यहाँ के लोकल लीडर हैं और हमेशा हम लोगों को ये देख रेख करते हैं और पिछली बार इन्हें टिकट नहीं मिला बीजेपी का, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हुए। इस बार उम्मीद करते हैं और पार्टी के आकाओं से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें बीजेपी का टिकट दिया जाए। बोडुमसा नामले गांव के लोगों ने की सोशल मीडिया में अपील, एमएलए समेत कॉन्ट्रैक्टर को अच्छी सड़क बनाने की मांग। कल पाकुमपारे में 150 से भी अधिक लोग बिना आईडी के पकड़े गए। घूमतो में सर्कल ऑफिसर टायर लुलू ने की चेकिंग और वहां के स्थानीय पाकुमपारे स्टूडेंट यूनियन के 30 ने कल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में निगरान प्रोजेक्ट के तहत किया 32 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल। सीसीटीवी कैमरा करेंगे ऑटोमेटिक वाहनों की नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राहुल गुप्ता ने कहा ये प्रोजेक्ट प्रदेश में इम्प्रूवमेंट लाएंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्षेत्र में। पासीघाट से पंगिन जाने वाली हाईवे भी कट ऑफ, बड़ी बारिश के चलते हुए रास्ता ब्लॉक, रास्ता कट होने के कारण कोई सामान नहीं पहुंचाया जा सकेगा सियांग अपर सियांग वेस्ट सियांग और शी योमी डिस्ट्रिक्ट को। लोअर सुबनसिरी के डिप्यूटी कमिश्नर बाबिन निमेन ने सभी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को समय में खत्म करने की दी आदेश, क्वालिटी वर्क को भी देना होगा ध्यान, साथ ही साथ 1/24 को निर्देश दिया फिर विजिट के लिए। मियाओ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 11 असम राइफल्स चांगला पुलिस ने दी 744 अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को सीएसएल एग्जाम की ट्रेनिंग। तावांग में इंडियन आर्मी ने की लोगों को मदद, एक दिन का मेडिकल कैंप में मिली या और ड्रोपा कम्युनिटी को मेडिकल चेकअप। लाजू में 117 मरीजों ने मिली मेडिकल चेकअप, असम राइफल्स खोनसा बैटालियन ने की मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज। लॉन्गडिंग में धूमधाम से विजिट किया होलाई वांगसू को, होलाई वांगसू ने ली आम आदमी पार्टी टिकट, आने वाले इलेक्शन में 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से करेंगे कंटेस्ट।